गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब गाइस? मुंबई इंडियंस और आरसीबी के टीम के बीच में आईपीएल के इतिहास में काफी क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं और काफी टक्कर रहती है इनके मैच जब भी होते हैं, तो फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आईपीएल 2020 में जब इन दोनों टीम्स का मुकाबला होगा तो कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। वीडियो में देखने वाले हैं हेड टू हेड मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस रही है, साथ ही साथ आईपीएल 2019 का परफॉर्मेंस कैसी है, दोनों ही प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, विनिंग कैप्टन परसेंट किसका कितना है, और यूएई में जब आईपीएल हुआ था 2014 में तो किस टीम की कैसी परफॉर्मेंस रही थी, आपस में मुकाबला हुआ था तो कैसी परफॉर्मेंस रही थी। और इन सभी स्टैट्स को देखने के बाद फाइनल हम ये प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि आईपीएल 2020 में कौन सी टीम जीतने वाली है। एंड आई एम श्योर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि आईपीएल 2020 में यही टीम जीतने वाली है। तो सब हम बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहले देखते हैं हम हेड टू हेड मैचेस में। हेड टू हेड मैचेस में दोनों ही टीम्स के बीच में अभी तक 25 मैचेस टोटल हुए हैं, जिनमें से बेंगलोर की टीम ने 9 मैचेस, मुंबई की टीम ने 16 मैचेस जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम काफी आगे है और मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी है। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं आईपीएल की, तो बात की जाए अगर इनके रन्स की 2019 में यानी रिसेंट फॉर्म की, तो रोहित शर्मा ने 15 मैचेस खेले 2019 में 405 रन बनाए। तो वहीं बात की जाए अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने एक मैच कम खेला रोहित शर्मा से, 14 मैचेस खेले और रन इन्होंने बनाए 464 रन इन्होंने बनाए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 50-60 रन ज्यादा बनाए हैं रोहित शर्मा से, मुंबई इंडियंस की टीम से, और कहीं ना कहीं विराट कोहली इस मामले में आगे हैं। हेड टू हेड मैचेस के मामले में मुंबई इंडियंस की टीम आगे है। बात की जाए अगर टोटल विनिंग परसेंट की कि किसका कितना विनिंग परसेंट रहता है, तो आपको पता ही है मुंबई इंडियंस की टीम ने 4 बार ट्रॉफी उठाई है, रोहित शर्मा ने 4 बार ट्रॉफी दिलाई है, 104 मैचेस खेले हैं, 60 मैचेस जिताए हैं, 42 मैचेस में ये हारे हैं। टोटल विनिंग परसेंट 57.69% का है। बात की जाए अगर विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 110 मैचेस खेले हैं, 49 मैचेस जिताए हैं और टोटल विनिंग परसेंट इनका 44.55% का है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में रोहित शर्मा आगे है और 12-13% से काफी आगे है। बात की जाए अगर 2014 के परफॉर्मेंस की, क्योंकि 2014 का परफॉर्मेंस काफी यहां पर इंपैक्ट देने वाला है, यूएई में मैचेस होने वाले हैं और इन्हीं बेसिस पर इन्हीं कंडीशंस में भी इस बार मैचेस होने वाले हैं और ये परफॉर्मेंस काफी मैटर करने वाली है। तो इनकी हम बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 मैचेस खेले, 5 मैच हार गए, रोहित शर्मा ने एक ही अच्छी पारी खेली, वो खेली थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, 50 रन बनाए थे, बाकी मैचेस में ये फ्लॉप साबित हुए, कोई भी अच्छी पारी नहीं खेली। बात की जाए अगर आरसीबी की, विराट कोहली की, तो आरसीबी की टीम ने शुरुआत अच्छी की, 2 मैचेस जीते लेकिन इसके बाद मैच ये हार गए। तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ, 3 मैच ये हार गए। और विराट कोहली की बात की जाए तो पहले मैच में 49 रन बनाए, इनके बाद 31 रन बनाए, 21 रन बनाए और आखिर में 4 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा था जब यूएई में 2014 में आईपीएल हुआ था। टोटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की टीम से रोहित शर्मा ने टोटल 84 रन बनाए, 0 मैचेस जिताए और इनका विनिंग परसेंट 0% का है। विराट कोहली की बात करें तो टोटल इन्होंने 105 रन बनाए, 2 मैचेस जिताए, विनिंग परसेंट इनका 40% का हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से इस मामले में विराट कोहली आगे हैं रोहित शर्मा से, वो इसलिए क्योंकि इनका यूएई में आईपीएल 2020 होने वाला जैसा आपको पता ही है और यूएई की कंडीशंस में विराट कोहली ने रन भी ज्यादा बनाए हैं, विनिंग परसेंट भी इनका ज्यादा है, रोहित शर्मा के हाथ से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई है और रोहित शर्मा ने 4 बार ट्रॉफी जरूर से दिलाई है मुंबई इंडियंस को, लेकिन 4 बार इन्होंने ट्रॉफी दिलाई है इंडिया की सरजमीं पर, इंडिया के पिचेस पर, यूएई में इन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पहला मुकाबला आरसीबी की टीम जीतने वाली है। जिस प्रकार के स्टैट्स बोलते हैं पेपर्स पर, तो मुंबई इंडियंस की टीम ही जीतेगी क्योंकि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी है, हेड टू हेड मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम पहला मुकाबला जीतने वाली है मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब मैच। गाइस आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आपके स्टैट्स किस प्रकार से बोलते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो को लाइक कर दे, लगातार आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले। धन्यवाद।